हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं? हैप्पी दीपावली। आज मैंने दीपावली की पूजा की है घर पे, और आप सभी ने भी दीपावली की पूजा की होगी। और देखिए, मैंने इस यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए गणेश लक्ष्मी और कलश भी रखा है, आरती सभी। मैंने अभी मेरे ससुर जी ने यहाँ पर पूजा की है दीपावली की, और मैं गणेश लक्ष्मी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग भी अपने घर में खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, और हमेशा हर साल खूब अच्छे से इंजॉय करें। और मैं आपको बाहर ले चलती हूँ, दिखाती हूँ चल के दीपक मेरे यहाँ। अभी मैं आपको बाहर दिखा रही हूँ चल के, सभी लोगों ने अपने अपने घर पे खूब सारी वो झालर लगाई हुई है और दीपक जलाए हैं। तो मैं आपको गाइस बाहर ले चलती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ चल के। देखिए मैं चल रही हूँ, मैं गेट खोल के अभी आपको दिखाने, ये देखिए मैं बाहर आ गई हूँ। मैंने अपने घर के बाहर दीपक जलाए हैं, ये देखिए, और ये देखिए मैंने झालर लगी हुई है यहाँ पर, झालर लगाई है। सभी लोग, पूरी गली में काफ़ी रौनक है, देखिए चारों तरफ सबके घर सजे हुए हैं। अभी काफ़ी लोग अंदर हैं और काफ़ी लोग बाहर हैं, तो बच्चे पटाखे भी छुटा रहे हैं। आप लोग कैसे हैं? देखिए आंटी, पूजा हो गई आपकी? आपकी पूजा हो गई? देखिए मिलिए आंटी से, आंटी अपने घर की पूजा करके आई हैं। आप लोग भी खूब अच्छे से एंजॉय कीजिए और अच्छे से दीपावली का त्यौहार मनाइए, खूब मिठाइयाँ खाइए, लेकिन बस थोड़ा सा पटाखे से अवॉइड कीजिएगा, पटाखे मत छुटाइएगा। अगर हम पटाखे ना भी छुटाएं तो हमारा त्यौहार हो सकता है, लेकिन अगर ज़रूरी है तो हाँ, बच्चों को बस इस तरह के पटाखे छुटाइएगा जो नुकसानदायक ना हो, जिनसे हमें कोई नुकसान ना हो, बस थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बाकी आप लोग अच्छे से इंजॉय कीजिए, त्यौहार को अच्छे से मनाइए और खूब खुश रहिए। दीपावली हर साल खूब खुश हो के, प्रसन्न हो के, प्यार हो के आप लोग दीपावली का पर्व मनाइए। शुभ रात्रि गाइस।